सिरमौर के माजरा में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री और पौंटा के विधायक सुखराम चौधरी समेत कई गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। मुरैना जिला के भाजपा कार्यालय दीपकमल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। इस मौके पर राज्यसभा के उत्तराखंड से सांसद कल्पना सैनी ने कार्यकर्ताओं के बीच शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने कल्पना सैनी का भाजपा कार्यालय पहुंचने पर स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा की राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता सिर्फ चुनावी माहौल में काम नहीं करता बल्कि वर्ष भर क्रियाशील रहता है। भाजपा का कार्यकर्ता तो वो कार्यकर्ता है जो 2400 घंटे और पूरे वर्ष भर काम करता है, खाली चुनाव में काम नहीं करता। पर पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के इस लगभग 10 वर्ष के कार्यकाल को समझ रहा है और मोदी जी के साथ। तो कांग्रेस जिस तरह से कभी न्याय यात्रा निकाल रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, क्या मानते हैं राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है तानाशाही से देश को चला रहे हैं? अब आप किसी की सोच का, किसी के विचार के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, पर आज भारत की जनता सब समझती है और 14 में बताने के बाद 19 में भी बताया और अब 24 में भी बताएगी कि हमारे एकमात्र नेता, एक बार मात्र भारतीय जनता पार्टी हमारी।